परवाज़े जुनून के स्क्वाड्रन लीडर नादिर किरमानी हमारे साथ हैं. कैसे हैं शेज़ खान? बहुत अच्छा, थैंक यू. हाउ आर यू? आई एम गुड. अच्छा शेज़, आपने अभी ये फिल्म की परवाज़े जुनून, इसमें आपका एक फाइटर पायलट का किरदार था जिसमें हमने आपको जहाज़ उड़ाते हुए भी देखा, ठीक है, हमने थोड़ा बहुत आपको रोमांस करते हुए भी देखा. तो मतलब आपने क्या जहाज वाकई उड़ाए थे और क्या वाकई आपसे रोमांस नहीं हो रहा था? नहीं, वो तो कैरेक्टर था, दैट्स व्हाई. बट जहाज तो मैंने उड़ाया था प्रिपरेशन के लिए. चाह रहा था कि वो जो जीज होती हैं मैं महसूस करूं. सो दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग. एक 70-year-old पायलट के साथ मैंने वो चलाया था एंड आई डॉग फाइटेड. सो दैट वाज नाइस. प्रिपरेशन भी हुई थी. रोमांस वो कैरेक्टर ऐसा था कि ही वाज अ यू नो ही डिडंट नो हाउ टू रोमांस. Again, I think eventually he was shown to do the romance, but in a very understated way. वो एक fighter pilot जो होता है ना, वो दिखाता तो नहीं है romance, so I played it that way. जो शाज, आप तो अमेरिका में थे, US में, वहाँ पे आप acting भी कर रहे थे, तो पाकिस्तान में कैसे आ गया फिल्मों में और ड्रामों में? हाँ, ये बहुत ही interesting story है. मैं तो उधर काम कर रहा था, independent scene में काम कर रहा था, तो उधर फिल्में भी हो रही थी, theater भी हो रहा था. तो कुछ साल बाद आई जस्ट बर्नड आउट. वो एक मैंने कैंसर रोल किया था, वो इट टुक अ लॉट आउट ऑफ मी. तो मैंने कहा चलो मैं पाकिस्तान जाके बस मैं रिलैक्स करता हूँ. तो मैं बस 2 महीने के लिए आया वापस, और उस दौरान जामी मोर की ऑडिशंस कर रहा था, और इत्तेफाक से किसी ने कहा जाके तुम मिल लो उसे. तो मैंने बस ऑडिशन दिया, और उस वक्त शायद मैं ऑडिशन में भी अच्छा था क्योंकि आई हैव बीन डूइंग इट फॉर सो लॉन्ग कि जामी ने देखा, उसने कहा चलो लेट्स गिव हिम द रोल. 2 महीने बाद मैं एक बलूचिस्तान की एक छोटे से गांव में जाके शूट कर रहा था, अपना अमेरिकन पासपोर्ट छुपा रहा था क्योंकि पता नहीं था मैं कहाँ हूँ. और एक जो एक नई जर्नी है, एक नया सफ़र था मेरी करियर में, मैंने शुरू किया पाकिस्तान में, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. अच्छा, ड्रामों में भी आपने काम किया और यकीन का सफ़र आपका एक एक बहुत अच्छा उसके अंदर मैसेज और उसकी जो पॉपुलैरिटी है, तो ड्रामों में भी मतलब फिल्म से ड्रामों में कैसे फिर आपकी? ड्रामों में वो भी बस एक कहानी इतनी ज़बरदस्त थी. मोर के बाद मुझे काफ़ी ड्रामे ऑफर हुए थे, लेकिन आई वाज एक्चुअली अ फिल्म स्नॉब. मैंने कहा था नहीं, मैं ड्रामे नहीं करना चाह रहा, फिल्म 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 फिल्म. और वो जो कैरेक्टर था उसकी कहानी इतनी मज़े की थी, दिस बैरिस्टर, यू नो, मैंने कहा दिस इज़ समथिंग आई कांट डिनाई. तो फिर मैंने जब किया वो, मुझे इतनी मोहब्बत हो गई इस कैरेक्टर से और मुझे इस कहानी से इतनी मोहब्बत हो गई. मैंने कहा था यू नो आई कैन नेवर जज ड्रामाज अगेन, क्योंकि ड्रामे में जो कहानियाँ हैं वो तो फिल्म से भी ज़्यादा बेहतर है, उसका उनका कैलिबर भी और है. तो नाउ आई एम नॉट ऑन दैट वेवलेंथ, लेकिन फिर भी आई एम इन द एंड अ सिनेफाइल, अंदर से फिल्म. हाँ, मैं एक फिल्म बफ हूँ. अच्छा, अगर फिल्म, आप कह रहे हैं आपको खुद ज़्यादा शौक है फिल्म, अगर इन फ्यूचर अपने लिए आप फिल्म में किस तरह का करेक्टर देखते हैं कि ये वाला करेक्टर मुझे मिल जाए और मैं करूँ? देखिए, बात ये आई होप कि जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, वो अपनी कहानियाँ जो वो दिखाना चाह रहे हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो जो उन्होंने देखी हैं, जिससे इंस्पायर वो लिखें. क्योंकि जब वो अंदर से कहानी आती है ना, एज एन एक्टर यू एक्साइटेड, क्योंकि वो डायलॉग भी अच्छे होते हैं, कहानी स्ट्रक्चर भी अच्छा होता है. लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक जानर वानर जिसको मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, एक एक्शन है. यू नो, फॉर मी इट्स द आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट. तो एक मार्शल आर्ट्स की फिल्म हो जिसमें अच्छी सी कहानी हो, अच्छी सी लव स्टोरी भी हो, बट उसमें वो एक इंस्पिरेशनल भी एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो जिसमें हम लोगों को अंदर से भी और बाहर से भी इंस्पायर करें सोशल चेंज के लिए. दो दैट्स समथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग ऑन, एंड आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन एज वेल. बट इन पाकिस्तान आई थिंक आई कैन रियली मेक माई मार्क ऑन दैट. और मुझे डांस का भी बहुत शौक है, तो ये तो डांस नंबर भी हो जाए. अच्छा, तो अगर आपने मार्शल आर्ट की भी हमने सुना है, आपने कुछ काफ़ी तालीम हासिल की भी है, तो मतलब अपनी फिल्मों में इसको यूज़ करना चाहेंगे? अगर एक्सिक्यूटेड अच्छा हो, जब हम क्यों नहीं करना चाहूँगा. आई थिंक आई कैन ब्रिंग अ रियली गुड लेवल टू इट. काफ़ी सालों से ट्रेन कर रहा हूँ एक्चुअली. मुझे एक अपनी कहानी, उसमें से 2 साल मैं स्पार कर रहा हूँ असली जो मार्शल आर्टिस्ट हैं उनके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं. तो ये जो नाक इस तरह नहीं हुई, ये मेरी पैदाइशी नहीं है, ये मुक्के जो मैंने बॉक्सिंग में कॉलेज में लिए थे, क्योंकि मैं बॉक्सिंग में कॉलेज बॉक्सर था, कॉलेज कलीजिएट बॉक्सर था. तो आई वुड लव टू डू दैट, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट स्टोरी. अच्छा, किस एक्टर से सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन है आपको? एक्टर से वो तो वेस्ट के ही होंगे, क्योंकि आई ग्रो अप ऑन द वेस्टर्न सिनेमा. ऑल्दो बॉलीवुड में अभी इत्तेफाक से मैं आमिर खान एट नेटफ्लिक्स इन लॉस एंजलिस, तो ही इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी. क्योंकि जिस तरह वो सोचता है कहानी के बारे में, दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील अबाउट द स्टोरी टेलिंग मीडियम. तो अगर मेरा कोई मॉडल होगा ईस्ट में, वो होगा आमिर खान. और वेस्ट में होगा समवन लाइक क्या कहते हैं, जो स्पीलबर्ग जिस तरह की कहानियाँ वो पिक करता है, और जिस तरह उस
उसका बचपना दिखाते हैं वो यू कैन सी इट इन हिज मूवीज आई लव दैट एंड एज एन एक्टर पचिनो एल पचिनो इज वन ऑफ माय फेवरेट्स या आई लव हिम किस हीरोइन के साथ काम करने का शौक है हीरोइन के साथ किधर कहीं भी बताएं हॉलीवुड बॉलीवुड पाकिस्तान आजकल जो मेरा हैली बेरी आजकल तो नहीं ना मतलब वो तो काफी सीनियर चले वो अभी तक लेट्स सी चले हैली बेरी होगी हॉलीवुड से ना अब आप बॉलीवुड से बताएं दीपिका अच्छा और अब अपनी पाकिस्तान की कौन होगी यार ये बहुत है वैसे मैं कहने नहीं चाह रहा I don't want to sing on नहीं लड़ाई वड़ाई नहीं होगी बता दे किसके साथ काम करना चाह रहा हूँ एक होता है ना आप आपको लगता है कि आपकी केमिस्ट्री आपका पेयर अच्छा होगा you know, I think it's an incredible actress is सबा कमर हाँ आई थिंक सबा कमर के साथ अगर मैं काम करूँगा आई थिंक इट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड अ रियली इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन क्योंकि मुझे शी इज़ अ नेचुरल एक्ट्रेस आई लव द वे शी लुक्स एट हाँ उनकी नज़र आ जाता है कि वो हर रोल में घुस जाती है आई लव दैट ठीक है अच्छा अब हम शाज़ खान का थैंक यू करते हैं और बड़ा मज़े का इंटरव्यू था और अब हम होप कर रहे हैं कि ये कोई एक्शन रोमांस कॉमेडी फिल्म बनाएंगे और होपफुली उसमें सबा कमर अच्छा व्हाई नॉट चलिए थैंक यू सो मच यार